सुल्तान अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चार साल अलीमा साहबिया दे घर रहे चंद दिन दे सन जदों दे आए होए ने ते पूरे चार साल माई अलीमा ने घर रहे। अलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने कि लै किते मैं इस वास्ते आई सां कि असी इन्हां नूं पाल लांगे हज़ूर नूं परवरिश करांगे पाल लांगे। फिर घर वालियां नूं जदों वापस करांगे ते ओह सानू पलण दा इनाम देणगे फिर असी पालांगे। पर हलीमा सादिया फरमांदियां ने चार साल बच्चा साडे कोल रहा ते लै के आए सा सानू असी इनू पालांगे मगर चार साल साडे कोल रहा असा ते इनू नहीं पालिया पर चार साल ये सानू पालदा रहा। बकरियां बगैर खान पीन तो दुध दे रही ने रात हनेरा नहीं होंगे जानने जानना रहा और बगैर ऊद तो बगैर किसी अगर तो जलाण तो खुशबुआ ही खुशबू आदिया ने ये चार साल ऐसा नहीं पालिया बल्कि इन्होंने सानू पालिया। ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੱਥ ਵਡਾਵਾਂ। ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਖਾਸਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਅੰਮਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟਾ ਲਿਆ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਜਾਣਗੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਘਰ ਹੀ ਰਹੋ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਛੋਟਾ। ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਚਲੋ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਬੁੱਢਾ ਪਿਓ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਡੇ ਆ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਡੇ ਆ ਨਿੱਕੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਡੇ ਅੱਬਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਦੇ ਵਿਹਲਾ ਨਕਾਰਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਈ ਅਲੀਮਾ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਬਗਾਨਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਫਿਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਭੇੜੀਏ ਨੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਗਾਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੋਤਰਾ ਪੋਤਰੀ ਘਰ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਖੈਰ ਲੋ ਗੱਲ ਵੀ ਗੌਰ ਨਾ ਸੁਣਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨੇ ਦਾਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਿਲਕ ਪਿਆ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਤਿਲਕ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ ਰਗੜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨੱਕ 'ਚ ਲਹੂ ਵਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੈਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਾਨਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਅਤੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੋੜ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਮਰਾ ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾਨਕੇ ਗਈ ਹੈ ਸੱਟ ਲਵਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਰਗੜਾ ਲਵਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ
बीमार करके ने अपने घर जो मर्जी हो जाए, क्यों हूँ वो बच्चा बगाना हो गया है। ये दादकियां कर होता कि नहीं होता, दसो नाने हो मम्मी नाना हो तुम्हें नाना बड़ा होता कि गए ने मेरे अल बच्चे आ जाना तो भाई इतना आ जाता कि अल्लाह खैर करे जल्दी जल्दी खैर में वापस टुर जा गल ना मथे आ गया होंगे। हलीमा मेरे बच्चे मेरिया बकरियां मेरे जानवर सारे मुक जान पर यह बगाना बच्चा इनू कुछ ना हो। बड़ा रुकिया पर आखिया नहीं अम्मी मैनू जान। अच्छा हूं नबी पाक की जात भी अल्लाह ताला ने जी बनाई है के जनाब अल्लाह के नबी पाक की जात भी अल्लाह ने जी बनाई है के हजूर को गल करन ना एक अद्धी वारी ते इनकार हो सकता है मगर हर बार इनकार नहीं हो सकता। मन गई अच्छा पुत्र जा पर अपने पुत्रां नूं कह दिता गल सुनो भेडां बकरियां लैके चले हो तुहानूं मैं नसीहत करनी है कि जंगल च जाके अपनिया भेडा बकरिया का इन्ना फिक्र ना करो जिन्ना एदा करो उन्हां दा इन्ना ध्यान ना रखियो जिन्ना एदा रखना है। अम्मा फिक्र ना कर सुल्तान जंगल तशरीफ लै गए सारा दिन ले या जिन्ना टाइम भी भेड़ा बकरियां चलाते सन ओना रहे खैर शरीयत नाल पिछले टाइम घर वापस आ गए। भज के मां ने अपने इस बेटे का इस्तकबाल किया प्यार किया सीने नाल लाया ते पुछया पुत्र परेशान ते नहीं होए दूजिया अपने पुत्रां नूं पुछया तुसी नाल रहे हो किधरे रोका ते नहीं गया। बच्चा रूह नहीं लग पाता मैनूं किधर लैंदा आउंदा ते चा ना लीए पर थोड़ी देर तो बाद चा जो लै जाता फिर अगलिया उठा पा दिंदा बच्चा मैं घर जाना मैं घर जाना करो तुरै असी जिद करके सैर करनी है बाजार लैके आए हैं हूँ आप घर चलीए मुसीबत पाइया दी सुना पुत्रो गए हो इन्हें परेशान तो नहीं किया रोया तो नहीं जिद तो नहीं की थी घर जाना भुख तो नहीं लगी प्यास तो नहीं लगी खैर ना रहे हो ठीक ठाक रहे हो खुश रहे खेलता रहे। मां ने अपने उन्हां पुत्रां नूं पुछया ते चंगी तरह पुछया पुत्रा क्या मां जो कुछ पूछनी है भी इन्हां गल्लां दा जवाब तेनूं बाद च देंगे पर इहनूं जदों लैके गए ते असीं बड़े हैरान होए। लो पुत्रा जदों के असीं हैरान होए बड़ा हैरान होए ते अम्मा ने फटाफट पुछया की गल सी की होया सी अगे अम्मा दी जदों भी भेड़ा बकरियां जंगल च लै के जाते सन ते उत्थे बड़े जानवर हो फिरदे ने खतरनाक मगर एक भेड़िया साडे
वैर पै गया होया सी साडियां भेड़ां बकरियां दे वैर पै गया होया सी ते ताड़ लगदा सी ते नुकसान भी पहुंचांदा सी। असी जदों भेड़ां बकरियां लै के असी जंगल च गए हां ते ओही भेड़िया साडे इंतजार च बैठा होया सी कदों शिकार आवे मैं अपना ढिड भरा। अम्मा जदों असी पहुंचे हां ते ओह भेड़िया बैठा होया खलोता फिर टुर पिया फिर ओह छाला मारदा होया साडियां भेड़ां बकरियां वल आया हमला कर दिता। साडियां भेड़ां बकरियां ते उहने हमला कर दिता ते असी त्रैवें जणे खलो गए वेने बहू की करिए ते त्रैवी है ते निके निके ही सुन। अम्मा अचानक उस भेड़िए दा पिया ध्यान पै गया साडे वल अजे डर गया कि उहनां नूं छड्ड के साडे तों आए ना हो भेड़िया इंसान दा दुश्मन ते है ही। अम्मा उन्हें जदों सानू वेख्या ते असी ते डर गए पर अपने भरा वल वेख्या कि इहनू किवें असी लुकाईए असा अपने भरा दा चेहरा वेख्या ते इहदे चेहरे ते कोई डर खौफ नहीं सी। एनी देर नू भेड़िया उन्हां भेड़ां बकरियां नू छड्ड के इधर आया और आके सीधा मेरे साडे भरा मुहम्मद दे पैरां विच उन्हें अपना सिर रख दिता। फिर इन्हां दे पैरां ते अपना सिर रगड़दा रहा ते थोड़ी देर तो बाद भेड़िए ने अपना मुंह चुकिया ते साडे भरा मुहम्मद नूं वेख्या ते फिर तुर गया पूछ ललाता होया ते दूर जा के बह गया। फिर ओह साडियां भेड़ां ते बकरियां दे नेड़े नहीं आया। अम्मा असीं इस गल्लों हैरान होए आ इहो ही भेड़िया एक खतरनाक जानवर ते दुश्मन साडा सानूं नुकसान पहुंचाउण वाला और अज पहली वारी असी गए ते हैरान इस गलों साडे भरा मक्की मुहम्मद नूं पहलों सजदा कीता फिर सलाम कीता फिर अदब दे नाल वापस तुर गए। क्यों भाई हैरानगी वाली गल है कि नहीं